नमस्कार मतांतर को स्वागत करीमा। अखंड भारत पर आक्रमण करथवा लोकंकु प्रधानमंत्री को बड़ संदेश 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भाव मन रखिबो। देश विभाजन कष्ट दुख केबे भी भूली होबनि। घृणा हिंसा जोगु लक्ष लक्ष लोकंकु विस्थापित होबाक पड़िथिला। सेमानक संघर्ष एवं बलिदान को मन रखिबा पई 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भाव पालन करा जिवो। एही दिन जे केवल आमको भेदभाव वैमनुष्य दुर्भावना पर विष को शेष करने प्रेरित करा नुहे बर एकता सामाजिक सद्भाव एवं मानवीय संवेदनता को मजबूत कर। सारा विश्व में 195 देश रही समस्त लगी आमर सम्मान रही है। जब आम देश कथा आसे से ऑटोमेटिकली आमर छाती 56 इंच चौड़ा हो जाए। आम गर्व करना कि सत कह डरुना। तेबे जब देश विभाजन कथा आसे से आमको इतिहास उपर टे नजर पकेबाको पड़िबो। कारण ऐतिहासिक मत अनुजाई स्वाधीन भारतर इतिहास भूल ही आरंभ होता और से भूल होची देशर विभाजन। तेबे देश कहीं विभाजन है कारण जहाँ कह जाए दुई पु निजर गादी को निज माठारु उपरे रखिदेले। ऐतिहासिक माने जहाँ कहते भारतर विभाजन पर मोहम्मद अली जिना दाई आउ किसी जनकर मत पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते ए विभाजन को टाळी पारि थांते। तिब्बतर आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा एक कार्यक्रम दावी करी गांधीजी प्रस्ताव को नेहरू मानि नहीं था भारतर विभाजन केबे होइ न थांता। तेबे देश विभाजन बहुमूल्य देवाक पड़ी आमको। दुनिया 195 देश 67 देश एमती रही जहाँकि 1947 स्वाधीनता पाई अर्थात आम देश स्वाधीन हवा पर स्वाधीनता पाई एमधर अनेक देश विभाजन पर सृष्टि होता कितु जी रक्त विभाजन समय बोला बोध हुए विश्व इतिहास आउ के विभाजन समय एमती रक्त बोना एने कौन सरकारी दस्तावेज तो ना कि अनुमान कराए विभाजन समय पखापाखि 1,000,000 लोक मरीले आ 2 कोटी लोक बहुमार प्रभावित होते। विभाजन समय 1,00,000 महिला दुष्कर्म करपहरण भी करेबी कथा मन पड़ जाए से हृदय पशि जाए। तेब प्रश्न उठू विभीषिका स्मृति दिवस भाव जदि एक मन रखापी प्रधानमंत्री कहते तेब ये कांग्रेस कहीं आपत्ति उठाऊ। चिदंबरम ट्वीट अनेक कथा को इंगित कर सहित प्रश्न उठू चिदंबरम कांग्रेस कहीं पाकिस्तान प्रति भल पाइबा एने आमर आलोचना चिदंबरम पाकिस्तान प्रेम। पूर्वतन केन्द्र गृहमंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को पाकिस्तान प्रेम। अगस्त 14 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भाव पालन करने प्रधानमंत्री घोषणा करिबारे ताकु विरोध कर चिदंबरम जुक्ति बाढ़ी कहले कौन भाव पाकिस्तान जहाँ कुछ शुभि प्रतिभा स्वर एने आलोचना करवा कि नजर पकड़ प्रथम ए रिपोर्ट उपरे। चिदंबरम को पाकिस्तान प्रेम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को विरोध कले वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम कहिले पाकिस्तान कौन भाविब कहिले एपरी दिवस पालन करिबा ठीक नुहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाकिस्तान विभाजन समय रे लोकमानंकर संघर्ष और बलिदान को मने पकाई 14 अगस्त दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पालन करने को घोषणा करथिले। तेबे कांग्रेस एही निष्पत्ति प्रति असहमत बोली जना पडुछि। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम एहाकु विरोध करबाकु जाई अजब जुक्ति देइछंती। से ट्वीट करी लिखिछंती प्रधानमंत्री मोदी अगस्त 14 को विभाजन विभीषिका दिवस रूपे घोषणा करिछंती हेले विभाजन हिंसा ओ नरसंहार केवल गोटे दिन होइ नथिला। से पुणी लिखिछंती भारत सेतेबेले कोन करिवो जदि पाकिस्तान अगस्त 15 को विभाजन विभीषिका निंदा दिवस रूपे घोषणा करिदेबो भारत को परिपक्वता सह व्यवहार करिबा उचित। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है कि उनको इस बात की जानकारी करनी है और उनको ट्वीट करने के सिवाय है क्या। प्रधानमंत्री जी जो भी वायदा करते हैं 15 अगस्त को घोषणाएं उसके बाद तुरंत वो अमल में आती है। आपने देखा होगा 2014 से जो भी उन्होंने जिन जिन घोषणाओं किया अगर उसको निकाल लीजिए तो वो सारी घोषणाएं चाहे स्वच्छ भारत की हो
चाहे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो। देश विरोधी शक्ति सपक्षवादी मंतव्य दबा देश विरोधी शक्ति सहित ठिया हवा यहाँ हूँ गोटे चिराचरित अभ्यास चाइना सहित संपर्क कौन और डोकलाम जिते लड़ई चलता भारत बर्षर जवान मैंने लड़ुते सेतेबेले सेमानंकर कांग्रेस दलर मंतव्य जहाँ थिला से कथा पूरा देश जानी आज जो भाई आचरण जो एक विच्छिन्नतावादी देश विरोधी राष्ट्रद्रोही नेचर जो आज कांग्रेस दल को समग्र देशर साधारण जनता आज प्रत्याख्यान कर सारी मुझे जहाँ चिदम्बरम कही सत्य यह संपर्क आहरी तिक्त करेणु गोटे विभाजित देशर विभाजित दिवस को पालन कर देश 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 भितर लोक भितर अधिक तीक्तता सृष्टि करिवार किछि आवश्यकता नै। चिदंबरम को भाषारु लागुछि जे से पाकिस्तान कोन भाबिबो बा कोन करिवो से नै बेसी चिंतित अछन्ति। विभाजनर विभीषिका को मने पकाइबा कोनोसी देश पय अत्यंत जरूरी। विभाजन विभीषिका दिवस गोटे सुंदर नाम मध्य बछा जाइछि कारण आमे आमो उत्तर पीढ़ी को इतिहास अनेक कथा को लुचै दउछु कारण जो दिन भारत स्वाधीन होता प्रकृत में महात्मा गांधी से दिन नुआखाली रे होता सांप्रदायिक दंगा विरुद्ध अनशन कर कलिकतार शोले और स्पष्ट भाव में कही एक स्वाधीनता नुहे जहाँ को स्वीकार करना तार कारण हूँ अखंड भारत स्वप्न महात्मा गांधी देखी थे। जो कुछ ऐसे डेज होते हैं उन्हें जरूर याद करना चाहिए, जैसे कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अगर हम नहीं मनाएंगे तो जो यंग जनरेशन है वो इसे भूल जाएगी और हमें ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हम मतलब हमने कैसे ग्रो कराए हैं, हम कैसे डेवलप हुए हैं। ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने कहा है और उसको एप्लीकेबल होगा तो अच्छी बात है, उसे मनाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में रह के फिर भी हम खुश हैं भाई, रेड़ी पटड़ी से भी खुश हैं भैया। रोज ही आप देख रहे हैं, सब लोगों को पता है दिक्कतों के बगैर अपना घर कौन छोड़ सकता। अपना चिड़िया है ना, वो भी अपना घोंसला नहीं छोड़ेगी बगैर दिक्कत के। उनको दिक्कत आती है जब अपना घर बना बनाया 100 साल से हमारे बुजुर्गों ने बनाया, वो हमने छोड़ा, कोई दिक्कत होगी जब भी। पश्चिम एशिया एक छोटा देश इसराइल प्रति वर्ष अप्रैल रे मेरे योम भाषा दिवस पालन करी थाए। इंग्रजी रे एहार अर्थ हैला होलोकास्ट रिमेम्ब्रांस डे, अर्थात यहूदी मानंक प्रति होइतिबा अत्याचार को मने पकाइबार दिन। नाजी जर्मनी हिटलर रो शासन काल रे 1940 मसिया रे 60 लाख यहूदी को हत्या करा जाइतिला। तांकु श्रद्धांजलि देबा पई ओ एहाकु मने पकाबा पई एही दिन पालन करा जाय। सेही परी विश्वर अनेक देश रे एही परी दिन मान पालन करा जाय थाए। भारत उपरे अनेक थर आक्रमण होईछि, भारत विभाजन रे अनुन्न 20 लाख लोक प्राण हरायछंती। तांकु मने पकाइबा ओ एही घटना रो पुनरावृत्ति किपरि न हेबो ताने चिंता करबाकु एही दिवस सुजोग देबो। तेबे कांग्रेस नेता चिदंबरम को पाकिस्तान रो चिंता काहे कि पाकिस्तान कोन भाबिबा लेखि कोन दर्शाउछंती चिदंबरम, काहे कि चिदंबरम कर ए पाकिस्तान प्रेम। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। काहीं चिदंबरम ए पाकिस्तान प्रेम एने आलोचना करने को आम सहित रही जतीन महांती बीजेपी मुखपात्र वरिष्ठ सांबादिक रविदास और आम सहित रही दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल। सीत महां प्रथम क्षमा करी आम सहित रही वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू रही सीत महां प्रथम आपण आलोचना आरंभ करी। चिदंबरम जो ट्वीट कर प्रधानमंत्री जो अपील कर 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भाव पालन कर उद्देश्य नुहे कि कड़वाहट मान कि लोकों भितर कि घृणा मानसिकता सृष्टि करने को ता नुहे, बर विभाजन समय जहाँ भी घटी परवर्ती पीढ़ी ताक जानवे और देश आगक जमी अखंड रिग प्रयास करने को प्रेरणा देवाई ये स्मृति दिवस को पालन करु इने पाकिस्तान कौन भाव चिदंबरम को बेस कष्ट से ट्वीट मत सीधासख कर भारत किभली भाव में प्रधानमंत्री मैच्योर भाव में बिहेव करू बोली आपण कौन लगुच चिदंबरम को ट्वीट अनेक किसी को इंगित कर देखते। चिदंबरम ट्वीट गोटे मानसिकता को दर्शाऊँ मानसिकतार है जे आमे जहाँ पचे के आम पड़ोसी कौन भाव बास ताकू सी कि भाव में खुशी रमें पचे के जहा हूँ कि भाव में सन्तुष्ट रखा तेणु से तार जो प्रयास से प्रयास गोटे जो मैनिफेस्टेशन है जे कि भाव में आम सी कौन भावे भाविक आम आम निज निष्पत्ति कि गोटे कथा ये मुझे रखा चाहे जे जो पार्टीशन है ये पार्टीशन पे दायी किए थिला भारतर जो विभाजन है आज भारतर विभाजन होची मानव इतिहास सबुठ
बर्बरपूर्ण एवं सबुठ दुखद इतिहास एवं 14 अगस्त दिन जो भाई भाव में 2 मिलियन पखापाखि 2 लक्ष 20 लक्ष लोक पाखापाखि से हत्या करागला तांको जो भाई भाव से हलोकास्ट है आज से इतिहास को किए भारत भूली जावा कथा नुहे किंतु वर्ष वर्ष धरिकी पाखापाखि 75 वर्ष है ये गोटे दिन इतिहास को आज पर्यंत संपूर्ण भाव ये कांग्रेस सरकार कांग्रेस नीति संपूर्ण इतिहास ये पृष्ठा को सब आच्छादित कर रखी केवल लोक सामना को आनी ना आने को चाहे या तो दीटा कारण ये प्रथम कारण है जे विभाजन पर कांग्रेस जो भूमिका थी ताकू काले लोक जाणीजे एवं लोक जाणिले कांग्रेस बदनामी हम तेणु ताकू से विभाजन इतिहास को केवल लोकों सामना को ठीक भाव में अणगला ना द्वितीय कथा है जे किभली भाव में आम भल भल रही आम पाकिस्तान सांगे सीधा सड़क सलासुता कर चलू एवं गोटे प्रकार भय थिला सेते बले जे पाकिस्तान सांगे आम समस्त को मिसिक रहा काले से आम उपर कौन असुविधा करदे किंतु मोदी सरकार आसला परे ये उभय फैक्टर को से नेगेट कर एवं से कहते आम साहस सहित ए इतिहास से पृष्ठा को इतिहास से अध्याय को आम जाणी दरकार आमार आगामी पीढ़ी जाणी दरकार जे को भाव में दुखदपूर्ण इतिहास थिला एवं विभाजन थिला एवं से विभाजन रो जो घटना होता से घटना कि भाव में आगामी दिन में तार पुनरावृत्ति न हो आमर देशर जनता किभली भाव में साक्रिफाइस कर आत्मबली कि भाव में जो प्रकार होलोकास्ट होता स्मृति दिवस पालन विभाजन विभीषिका को नहीं असुविधा कौन रही कांग्रेस विरोध कहीं कहले आगामी आगामी पीढ़ी ताको मने रखू ये कथा से माने चाहती ना कारण ता दुईट कारण अच्छी आप कहली प्रथम सब बड़ मुख्य कारण है जे विभाजन रे कांग्रेस जो भूमिका थिला विभाजन पाई कांग्रेस जो भूमिका थिला आ विशेष करके पर्टिकुलरली जदि कहबी ताले विभाजन पाई नेहरू को जो भूमिका थिला ताहा मध्य आज बहुत संदेह सृष्टि कर तेणु से विभाजन इतिहास रे कांग्रेस रे भूमिका को जनसाधारण भूली जातु ये प्रयास 75 वर्ष है कांग्रेस कर चली तेणु आज से जो कहते आम या मन पकेवा कथा नुहे से कथा कहते जदि पाकिस्तान 15 अगस्त को पार्टीशन कंडेमनेशन डे मनाए ताहले आमे कौन करिबा आमुकु कौन से अच्छी पाकिस्तान कंडेमनेशन डे मनाऊ कि ब्लाक डे मनाऊ जहां करू आमर से आपत्ति ना आम तो डरबार भी कारण ना किंतु आमे ताली आमर गोटे दुखदपूर्ण इतिहास पृष्ठ को संपूर्ण रूप लिभे दवा यह कौन समीचीन नुहे मुझे जोड़ी उदाहरण दूची गोटे आप इज्राएल कथा कहले द्वितीय घटना द्वितीय उदाहरण जापान जापान हिरोशिमा नागासाकी जो बम ब्लास्ट होता एटम बम परमाणु बोमार से पका जाए सेठिकार जो व्यापक नरसंहार होता जो व्यापक क्षयति होता ता इतिहास गोटे बर्बरतार गोटे ज्वलंत उदाहरण किंतु आज पर्यंत 8 अगस्त को जापानवासी संपूर्ण रूपे मन रखते से दिन तक छुट्टी हुए एवं जापानवासी से दिन टीर जो होलोकास्ट दिन भाव में मना भावती आज दिन तो कहल इज्राएल नुहे इज्राएल पर अनेक देश रही जो मैंने दिन को पालन करती तेनाली कौन गोटे व्यतिक्रम नहीं कौन ऑब्जेक्शन कर किसी कारण ना आम सहित आलोचना रही वरिष्ठ सांबादिक सहित साहू रही साहू जो देशर विभाजन कथ आसे से महात्मा गांधी कथ मन पड़े महात्मा गांधी कही थे देशर विभाजन हेलानी अर्थात तो हिंदुस्तान तो विभाजन हेलानी परम जमी लगुच कि गोटे शरीर को दुई भाग करागला से ऐतिहासिक मान मत कि देश विभाजन में मोहम्मद अली जिना तो दायी कितु जदि नेहरू चाहता तेल विभाजन टली पारिता कितु सियासत कथा कहतु कि कृषि कथा कहतु कि सत्तार कथा कहतु हुए तो से नेहरू एक कथ को टाली ना एक देश विभाजन जाए कथा जाइला परवर्ती जो स्थिति उपजीला तो समस्त जानते इतिहास होती तार मुख साक्षी किंतु ये दिन को जी मन रखा प्रधानमंत्री उद्देश्य कि आगामी पीढ़ी इतना प्रेरित तो हे देश केमी अखंड रही प्रकार विभाजन सृष्टि हम नहीं अने को प्रेरित कर तो चिदम्बरम को एमती ट्विट कौन कौन दर्शाऊ सीता साहू चिदम्बरम मानने उक्ति को आदि कमेंट करना सकाल भी संपर्क आलोचना होता सकाल जो मत मंत्य रखी थी एक्जाक्ट से ही रखी जे एक कही मो देश प्रधानमंत्री जहाँ निष्पत्ति स्वीकार कर
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି ତାକୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଭୀଷିକା ଡେ, ଆମେ 14 ତାରିଖରେ ବିଭୀଷିକା ଡେ ପାଳନ କରିବା, 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ 14 ତାରିଖରେ ସେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ମନେ ପକାଉଥିବା ସେ ଯୋଉ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକତା ଜାଣିଛୁ, ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଏକତା ବି ଜାଣିଛୁ, ଟ୍ରେନ ବଡି ଗୁଡାକୁ କେମିତି ପାର୍ସଲ କରି ପଠେଇ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଏକତା ବି ଜାଣିଛୁ, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟସ୍କୁ କାଟିକରି ପାର୍ସଲ କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୃତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛି, ଏ କଥା ଇତିହାସରେ ପଢିଛୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1947 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମହମ୍ମଦ ବିନ କାସିମଙ୍କ କଥା ପଢିଛୁ, ଏଠିକି ଆଜି କାବୁଲରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ଆଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବିଟୁଇନ୍ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇସଲାମ, ସେ କଥା ବି ପଢିଛୁ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରିଙ୍କ କଥା ପଢିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାହମୁଦ କଥା ପଢିଛୁ, ଏମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକଥା ବି ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ ପରେ ଆପଣ ଆଡଭାନୀ ସରି ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭାନୀ କି ଦେଖୁଛୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଛନ୍ତି ସହାବସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ବାଜପେୟୀ କି ଦେଖିଛୁ ସେ ସମଝୌତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସେ ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ପଡୋଶୀ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କୋଉ ଇତିହାସ କୋଉ ପୃଷ୍ଠା ତାକୁ ପଢିବୁ, ସେଇଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉ, କହିଦେଲୁ ବୋଲି ଗୋ ବାଇ ଦି ୱିଜଡମ୍ ହୁଇଲ୍ସ ୱିଜଡମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ଅର୍ ୱିଲ୍ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହ୍ୱାଟ ଦି ରିଆଲିଟି ଇଜ୍, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ କହିବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଆଲିଟି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଆୱର ନେବର୍ସ, ସମଟାଇମ୍ସ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯିବେ, ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ ଅର୍ ଆମେ ଜଣେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ ସେ କିଭଳି ସମଝୋତା ଟ୍ରେନ୍ ଲେଖିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଠି ଆମର ରକ୍ତପାତ ହଉଥିଲା, ସିଏ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ସେଠି ଭେଟିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗେ, ତ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆୱର ନେବର୍ସ, ଆମେ ତ କାଲି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିହେଭ୍ କରୁଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଯାହା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ଖାସ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ସେ ମାନେ କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ ଚାଇନା ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଚର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଟ୍ରେଚର କରି ଆସିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଚର କରିକି ଆସିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାର ମୋଷ୍ଟ ଫେଭର ନେସନ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଛେ ଦର୍ଜା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେମାନେ ତାର ମାନେ ସେଟା ମୋଷ୍ଟ ଫେଭର ନେସନ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କରୁଛୁ, ୱି ଆର୍ ଗିଭିଂ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କନସେସନ୍ସ ଟୁ ଦେମ୍, କାହିଁକି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ? ଏ ସରକାର ବି ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର ମୋଷ୍ଟ ଫେଭର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଦର୍ଜା ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନେଲେ, ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଇଥ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଯେ ମାନେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଆମର ଭଲ ରିଲେସନସିପ୍ ରହିବ, ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଭାବରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ବି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ମେଡିଆ ଭାବେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇଭଳି କଥା କହୁଥିବା କାଲି ସକାଳେ ସିଏ ବି ଏଇଭଳିଆ ରିଟାଲିଏଟ୍ କରୁଥିବେ, ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସକାଳେ ବି ସେ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆସିକିରି ଆମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିକିରି ନେଇଯାଉଛି, ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ନେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ସରକାରୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଟାଏଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଛିନ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମାନେ ୱିଥ୍ ଏ ହୋପ୍ ଯେ କାଲି ସକାଳେ କାଳେ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନମ୍ର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମେ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରେନି, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏହାର ସାକ୍ଷୀ କି ଭାରତ କେବେ ବି କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା କଥା ଆସେ ତ ସେତେବେଳେ ଭାରତ କେବେ ଚୁପ୍ ବସିବନି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ, ଏ କଥା ଆଜି ନୁହେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକରେ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି। ଗଗନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା ନା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଶୋକ କଥା ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତର ସୀମା ମାନେ କାବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମ ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଯଦି ଆମ ଦେଶ ବିଭାଜନ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ କୁହନ୍ତୁ କି କରାଚି କୁହନ୍ତୁ କି ଇସଲାମବାଦ କୁହନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଭାରତ ଅଣ୍ଡରରେ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଲେ ଏବଂ ଏ ବିଭାଜନ ଦୁଃଖ କେବେ ବି ମୋତେ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବିଜେପିର ସ୍ପୋକ୍ସପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର
प्रतिक्रिया भिन्न हो पाए समस्त अभिव्यक्ति स्वाधीनता रही समस्त निज निज प्रतिक्रिया कले निश्चित भाव मु गोटे कथा उल्लेख करने चाहिए जो पी चिदम्बरम जो ट्विट कर ट्विट रिप्लाय को जी जी पाखापाखि 180 टी से रिप्लाय आसप्लाय रु कि रिप्लाय मुझे चाहे प्रथम कथा हूँ किसी लोक बाहर फरेन रही रिप्लाय जे भारत एभली एक देश जोटि की जो से नागरिक मान रही अभिव्यक्तिर स्वाधीनता आल कि भी प्रतिक्रिया रखती आउ कि जन से मेनसन कर भारत एभली एक देश ही थी पारे जोटि की पड़ोसी कौन भाव मैंने कौन भाव पूर्व आम गोटे मेसेज दौ जो कथा पीतामर ट्विट कर भारत से जन पूर्वतन गृहमंत्री थे कथार गुरुत्व रही अनेक ट्विटर फलोअर्स रही देश विदेश में जो ट्विट कर प्रतिफलित होती कौन सी व्यक्ति भी से जो ट्विट कर निश्चित भाव अनेक कथा विचार कर आवश्यकता पड़ुछ भावुची कहीं जिते से ट्विट कर पाकिस्तान कौन कर कौन न कर दूर कथा पाकिस्तान को गोटे पूरा संपूर्ण मेसेज दौर ये कौन पाकिस्तान को मेसेज दौर जे यही डे तुम्हें पालन कर पाकिस्तान हॉरर डे से सेलिब्रेशन करे कि न करे कौन आभिमुख्य रही पूर्व आम कौन मेसेज देवा चाहू आम आम पड़ोसी देश को कौन मेसेज देवा चाहू आम निश्चित भाव ये निश्चित भाव जेहे अपोजिशन रही तेणु गणतंत्र अपोजिशन भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रही निश्चित भाव समस्त मत दबार अधिकार गगन कि सीत महांती आपको आसबी जिते बे कांग्रेस कथा सर्जिकल स्ट्राइक कथा हो कि कौन सी प्रकार ऑपरेशन कथा हो सब विरोधी मैंने प्रश्न उठाई तार जवाब भारत सरकार सब एयर स्ट्राइक कथ कहतु कि सर्जिकल स्ट्राइक कथ कहतु अनेपटे जी आम देखा पाकिस्तान जो भाई भाव में बर्तमान पाकिस्तान जो व्यवहार खास करी भारत पाई 370 आर्टिकल को नहीं मते कांग्रेस अनेक थर कही जदि से माने सरकार को असंदी ताले ए विषय मते चिंता करिवे अर्थात कोठी ना कोठी जेंते लागो छी सब कथार गोटे लिंक रहिछे तो एटा गोटे माने भारत प्रति गोटे माने भलो पाइबा हो पा भारतर हित प्रति मते गोटे प्रश्न उठुनी कि सीत महांती कांग्रेस रा अभिमुख्य निश्चित भाव जदि आप गत किछि वर्ष इतिहास को देखिबे गत किछि वर्ष भीतर जो भली भाव कांग्रेस तार प्रतिक्रिया रखी भिन्न विषय नहीं कि आर्टिकल 370 हो बा जम्मू काश्मीर विषय हो कि जो भी भाव से अनेक गुड़े विषय प्रतिक्रिया रखी जी आप देखिए लगे सत जमी से भारत को चाहूना से पाकिस्तान भी अधिका चिंतित कथार आप देखिए राहुल गांधी बहुत समय पाकिस्तान सपक्ष में मतामत दवा और पाकिस्तान आम आसिले कि भाव में जम्मू काश्मीर आर्टिकल 370 को आम रिस्टोर करूँ एभले अनेक गुड़े मतामत पदक्षेप नहीं जो थे से दर्शे देवा चाहती जे से पाकिस्तान पे अधिका चिंतित भारत पे नुहे यार आउ गोटे कथा ये से साहू कहले जे आमे अनेक गुड़े आक्रमण हो बहुत समय रे मानुचे अनेक गुड़े आक्रमण हो मुगल मैंने आक्रमण कर पर्तुगीज मैंने आक्रमण करनेक गुड़े आक्रमण होती ए कौन से आक्रमण केबे हेले भारत को भूखंड को केबे विभाजित करनथले ये विभाजन संभव हैला केबे ना 14 अगस्त विभाजन को जेते ग्रहण करा गला भारत आत्मा से विभाग हो गला एवं ये आत्मा पे जे दायी थे भारत विभाजन पे जे दायी थे से कांग्रेस सरकार दायी थला एवं कांग्रेस जेते बळे जो विभाजन पे दायी अछि आज मध्य से माने विभाजन इतिहास को केबे हेले लोकों को सामना को आनिबा को चाहंती नै इतिहास को केबे आनिबा पई सामना को चाहंती सीता साहब आपण एक थरे कोन कहि कि जहां सीता महांती कहउछंती कांग्रेस चाहिनी कि जो 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 इतिहास जोडा कि माने घृण्य इतिहास जाको कि माने पके एक तरह से इतिहास जमा सामना को न आसु एतरे कांग्रेस रो उद्देश्य कोन माने चाहू छी प्रकृति रे कि एभले इतिहास न आसु जोटी कांग्रेस रो ना रहिछि मोर कहता देखो जो देश वर्ष धरी पराधीन ब्रिटिश सरकार जी जालन हत्याकांड
ଯିଏ କଣ ନ କରିଛି 300 ବର୍ଷ ଧରିକି ରଖିକିରି ଆମେ ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ କଣ୍ଟ୍ରିର ସମୂହକୁ କମନୱେଲଥ ଅଫ ନେସନ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ଆଜି କମନୱେଲଥ ଅଫ ନେସନ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଛୁ କି ନାହିଁ ଯଦି ଯୋଉ ଦେଶ ଆମକୁ 300 ବର୍ଷ ଧରି ପରାହତ କରିଛି ଯୋଉ ଦେଶ ଆମର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଫାଶୀ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଭେନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଅଛନ୍ତି ଗଛରେ ଟାଙ୍କି ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ ଫାଡି ଦେଇଛି ଆମେ ସିଏ ଯୋଉ ଗଠନ କରିଛି କମନୱେଲଥ ଅଫ ନେସନ କମନୱେଲଥ ଅଫ ନେସନ ଆମେ ତାକୁ ଉଡ୍ର କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପଦେ କହିପାରିବୁନି ତେଣୁକରି ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଲିଟିକାଲ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକିରି ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଥିଲେ ବାଜପେୟୀ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ସେଟା ମାନନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଆମକୁ 300 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କମନୱେଲଥ ନେସନ୍ସ ଆମେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଛୁ ଏବଂ ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡଲି ଡିକ୍ଲେୟାରିଂ ଆୱରସେଲ୍ଭସ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ କମନୱେଲଥ ନେସନ୍ ହାଉ ଡୁ ୱି ପ୍ରୁଭ ହାଉ ଡୁ ୱି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଆସୋସିଏସନ୍ ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କର ଏତେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଚିଦାମ୍ବରମ କି ଭାରତ ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହିସାବରେ ବିହେଭ୍ କରୁ ବା ତାର ବିହେଭ୍ ଯେମିତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ଯଦି ଏମିତି 15 ଅଗଷ୍ଟକୁ ପାଳେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏଠି ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ଭାବିବ ବା ତାକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଚିଦାମ୍ବରମ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ବରଂ ଯାହା ଯାହା ଇତିହାସରେ ଘଟିଯାଇଛି ଯେମିତି ଆଗକୁ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ବୋଧ ହୁଏ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତ ଦେଖିବାର କଥା ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତା ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ରହିଥିଲେ ଯତୀନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ଅଛି ମତାନ୍ତରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।